कपिल नगर थाना क्षेत्र के कामका नगर मैदान और सुगत नगर चौक में संदिग्ध रूप से घूम रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने तलवार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कपिल नगर के पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मचारी गश्त लगा रहे थे, उसी समय उन्हें सुगत नगर चौक के सामने कामका नगर ग्राउंड में दो युवक संदिग्ध स्थिति में दिखाई दिए। पुलिस कर्मचारी उन युवकों के पास जा रहे थे, उसी समय दोनों आरोपी दोपहिया गाड़ी पर बैठकर भागने की तैयारी में थे। पुलिस कर्मचारियों ने उन आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से दो तलवार पाई गई। यह दोनों आरोपी आकाश उर्फ छुटका देवेंद्र खांडेकर, अभिषेक उर्फ दत्या राजेंद्र सिंह, रमाई नगर टेकानाका नारी रोड निवासी है। उन आरोपियों से तलवार और दो पहिया वाहन जब्त किया गया है। वही तीसरा आरोपी सुगत नगर चौक के सामने कांच कंपनी के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम भूपेंद्र उर्फ अशोक जेठवानी हुड़को कॉलोनी निवासी बताया है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक लोहे की तलवार, मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्यवाही डीसीपी नीलोत्पल, सहायक पुलिस आयुक्त जरीपटका के आदेश पर पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम के मार्गदर्शन में पीएसआई बीवी पालकर, बंडू कलम्बे, सूर्यकांत, योगेश, राजू, प्रवीण आदि ने की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। मी आणि माझे डी कॉम्बिंग पण होते आणि डीबी पथकासह एरियामध्ये फिरत असताना माहिती मिळाली की दोन संशयित म्हणजे कामगार नगर भागामध्ये एक प्राणघातक शस्त्रासह फिरत आहे। या माहितीवरून आम्ही खात्री केली आणि ती माहितीची खात्री केल्यानंतर स्टाफला सोबत घेऊन त्या ठिकाणी सापळा रचला। त्यामध्ये आम्हाला आकाश उर्फ छुटका देवेंद्र दांडेकर, त्याचप्रमाणे अभिषेक उर्फ दत्ता राजेंद्र सिंग हे दोन्ही आम्हाला मिळाले। त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलं। त्यांच्या रंगझडतीमध्ये आम्हाला दोन तलवारी मिळाल्या, त्या तलवारी पण ताब्यात घेतल्या। नंतर आम्ही परत पुन्हा समोर येताना एक जो आपला उत्पलवाडीचा सुगत नगर आहे तिथे एक आम्हाला एक संशयित मिळाला, त्यालासुद्धा आम्ही तिथे घेराव करून पकडलं। तिथे भूपेंद्र बाबू अशोक जेठवानी असं त्या जयसमचं नाव आहे, त्या तिघांनी आम्ही पोलिसांना इंटरोगेट केलं आणि त्यांचं अभिलेख तपासला असता तिन्ही हे मर्डरच्या पुण्यामधील पूर्वेतील इतिहासातील गुन्हेगार आहेत। या तिघांनी आम्ही दोन तलवारी, त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडे असलेलं मोबाईल आणि वाहन हे सगळं जप्त केलं आणि त्यांच्यावर आम्ही 425 आर्मेड प्रमाणे दोन केसेस केलेले आहेत। आणि त्यामध्ये आता त्यांनी तलवारी त्या पुढून आणल्या आहेत। त्यांचा काय उद्देश होता तिकडे फिरण्याचा यावेळेला, ह्याही दृष्टीने सर्व तपास सुरू आहे।